हेलो नमस्कार, द होप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अप्रैल 2022 हम सबके लिए कैसा रहेगा, और बारी है तुला राशि की। देखेंगे कि लिब्रंस यानी तुला राशि के लिए किस तरह का अप्रैल का महीना हो सकता है, क्या सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में इस महीने, क्या ब्लेसिंग्स आप अचीव कर सकते हैं, क्या गाइडेंस आप फॉलो कर सकते हैं इन सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के लिए। ऑल राइट, सो ये डिटेल प्रिडिक्शन है, आपका मंथली प्रिडिक्शन है। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी इस फैमिली का पार्ट है, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए और इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर तुला राशि। सबसे पहले देखेंगे तुला राशि की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी इस महीने की, अप्रैल महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। सो यहाँ एनर्जी ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ, उससे हम देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जीज रह सकती हैं अप्रैल के महीने में। ये यहाँ पे हम चार कार्ड पुल कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। सो वी हैव इन डिसीशन नंबर 8, रेस्ट एंड रेजुवेशन नंबर 19 और 10, डिसीट नंबर 25, पेशेंस नंबर 16, ओके। एंड बॉटम एनर्जी आ रही है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल की। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे तुला राशि बॉटम में है आपके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आर्कएंजल माइकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सेपरेशन, किसी लड़ाई, किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ठीक है, या किसी कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कि अप्रैल में आपके साथ हो सकती हैं, प्लीज़ उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये एक हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ सकती हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। तो दो तरीके की, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आ रहा है तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी से रिलेटेड दो चीज़ें हो सकती हैं। स्टेबिलिटी हमारा कमिटमेंट हमारे रिलेशनशिप्स के लिए आता है, और स्टेबिलिटी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड के लिए आता है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है, या तो आपके ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको इस तरह के किसी फेज से गुजरना पड़ सकता है। वी हैव इन डिसीशन, सो डेफिनेटली यहाँ दो बात हैं, दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास अप्रैल के महीने में। एंड आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, या एक कहना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा आपको कि किस डायरेक्शन में जाना सही है। दोनों ही रास्तों में आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, दोनों ही रास्तों में चेंजेस हैं, दोनों ही रास्ते वैसे नहीं हैं जैसे आपने सोचे थे। अब किसे चूज करना है और किसे नहीं, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए अगर कहूँ, बिकॉज यहाँ मैं चेंज इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ बटरफ्लाइज दिख रही हैं इस कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सिग्निफिकेंट बटरफ्लाइज है ना, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्पल जैसा मैं बता रही थी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मैरिज करनी है, अपने लव वन से करनी है, अरेंज करनी है। कुछ हो सकते हैं कि करियर पे फोकस करना है या अपने घर पे फोकस करना है। इस तरह के जो कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में कुछ बड़े हो सकते हैं अप्रैल के महीने में, जो कि शायद आपके साथ चलते ही होंगे, बट इस महीने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। देन वी हैव रेस्ट एंड रेजुवेशन। सो अगेन हो सकता है कि आप कुछ डिसीशन नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो आप एक रेस्ट मोड में जा रहे हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगा, और मैं बस अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, वो वाला फील मुझे आपका दिख रहा है तुला राशि, ठीक है। तो आप रेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है ये आपको करना भी चाहिए। अगर आप बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, बहुत सारा काम है आपके पास, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा समय निकालो। जब आप समय निकालोगे, रेस्ट करोगे, रेस्ट की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आप एक अलग एंजाइटी जोन में जा रहे हो, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो इस डिसीशन को ना लेने से, तो आपको नींद भी नहीं आ रही, तो आपको कहा जा रहा है भाई थोड़ा सा नींद लो,
ठीक है, खुद को हील करो, सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। दूसरी तरफ आप मेडिटेशन करके भी रेस्ट कर सकते हो ना, क्योंकि ये मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा है, तो आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको कुछ आंसर्स अपने आप आ जाएंगे डिवाइनली, तो आपके इनडिसिसिव की जो सिचुएशन है वो खत्म हो सकती है। देन वी हैव डिसीट हेयर। सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि तुला राशि, आपको अभी कुछ सच जो आप जानते हैं अपने बारे में वो सच एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको सब पता है, ठीक है, आप सब जानते हैं खुद के बारे में, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, बट आप लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे कि आप कमजोर है, आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे कि आपने वो चीज इसलिए छोड़ी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हाइड है, ठीक है, या तो वो आपकी तरफ से हाइड है, या यहाँ एक वार्निंग साइन भी आ रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी बनी है, या ये जो वार्निंग साइन हमें मिल रहे हैं, या ये जो परेशानियां ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि आपके आसपास वाले अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो अपनी जो जितने इमोशंस उनके आपके साथ कनेक्ट हैं, वो उतने इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं इस लव लाइफ को लेकर के। सो आपको एक इनडिसिसिवनेस मिल रहा है, बिकॉज अगर वो अपना प्यार बहुत अच्छे से जता दे या दिखा दे आपको, तो आप क्लियर कट है कि आपको उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे कुछ चीजें हाइड हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड हैं, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में पहुंच रहे हो, इस स्टेज में पहुंच रहे हो कि डिसीजन किस तरफ लूं। सब कुछ तो दरवाजे बंद से लग रहे हैं, ठीक है, तो कहीं कोई गलती ना कर दूं, वो वाला एंग्जाइटी है। और मे बी आप है, मुझे बहुत हद तक आ रहा है यहाँ पे कि काफी तो जनरल रीडिंग है, सबसे एक जैसा नहीं रेजोनेट होगा, बट ये आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी वो है, तो ये आपकी है कि आप मन में कुछ सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो यही चूज करूंगा, बट ऊपर से आपको दिखाना कुछ है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या वैसे नहीं आ रहे हो सबके सामने जैसे एक्चुअली में आपको। देन वी हैव पेशेंस। सो आपका कोई भी क्वेश्चन था, कुछ भी चीजें आपकी पेंडिंग चल रही थी, आपको लग रहा था अप्रैल में होगा या नहीं, तो डेफिनेटली ये टाइम वैसा नहीं है जब आप कोई डिसीशन मेकिंग करो या आगे बढ़ो किसी चीज को लेकर के। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि भाई डिसीशन तो मुझे लेना ही है ना, इनडिसीशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स चाहता है मैं डिसीशन लूं, यस डिसीशंस आप लेंगे, आपको लेने पड़ सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि आपको उनके रिजल्ट्स इस महीने मिल जाएंगे, आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा रुकने को कहा जा रहा है, भागा दौड़ी अगर चल रही है तो थमने को कहा जा रहा है, स्टेबिलिटी चाहिए, नई जॉब चाहिए, किसी पर्सन को चूज करना है, मैरिज करनी है, इस महीने मत करो, इस महीने मत किसी चीज तक पहुंचो, क्योंकि यहाँ पे इंतजार आ रहा है। अगर आप भी वेट कर रहे हो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट, नंबर 8, नंबर 19 या 10, नंबर 25 या 7, नंबर 16, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं तुला राशि यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। नाउ लेट्स चेक कि लव लाइफ में क्या सब हो रहा है इस महीने। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि, तुला राशि की लव लाइफ में अप्रैल 2022 में क्या सब हो रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, किसी पर्सन को। 3 of Cups, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एंड 2 of Swords। बॉटम एनर्जी है जस्टिस की। ओके, सो लव लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा कोई उथल पुथल ऐसी दिख नहीं रही है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में रहने वाला है अपने लव वन के साथ। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ मंथ आपका काफी बेटर है, चाहे वो आपका इनडिसिसिवनेस है, लेकिन उसमें जो चीजें हैं आपकी वो ज्यादा अच्छे से चल रही हैं, बजाय कि लास्ट में।
I will show you the cards. We have three of cups. So clear cut बता रहा है कि आप लोग एक friend friendship में हो सकते हैं जिस partner से आपको आप पसंद कर सकते हैं उनके साथ ही आपके कोई mutual friends हो सकते हैं. So सारे friends मिलके अपने loved ones के साथ आप लोग किसी get together को plan कर सकते हैं. मुझे यहाँ पे एक engagement या हल्का फुल्का जो फंक्शन होता है ना मैरिज का वो यहाँ पे दिख रहा है. तो मे बी यू आर गेटिंग एंगेज्ड और योर क्लोज वन या कोई फ्रेंड आपका एंगेज हो रहा है उसकी पार्टी में आप जा रहे हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड सर्किल में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्टिकुलर महीने के अंदर. वी हैव टेन ऑफ कप्स. सो फुल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कि मैरिड हैं उन्हें फुल सेटिस्फेक्शन रहेगा. इमोशनल लेवल पे आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं तुला राशि इस महीने. स्पेशली 15 दिन जो अप्रैल के 15 डेज हैं वो आपके डेफिनेटली बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना. इमोशनली सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है कि चीज़ें बहुत अजीबोगरीब हो रही हैं लाइफ में, बट पार्टनर है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है. आपको पता है कि आपके पास है जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं. देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स. सो कम्युनिकेशन दिख रहा है. किसी का कोई बहुत लंबी बातचीत हो सकती है अपने लव वन से, बहुत टाइम बाद बातचीत हो सकती है. अगर सेपरेशन है तो डेफिनेटली आप वापस से रिकनसाइल हो रहे हैं. लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है अपने लव वन के साथ. तो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है बहुत फुर्ती से चीज़ें हो रही हैं. सो डेफिनेटली अप्रैल के स्टार्टिंग में ना आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ महीना उड़ गया. स्पेशली लव मैटर्स में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत तरीके से, बहुत सेटिस्फाइड मोड पे आपका आगे बढ़ता रहेगा. वी हैव द चैरियट. सो अगेन चैरियट बताता है मूवमेंट को. तो अगर आपकी लव लाइफ स्टक है या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो जस्टिस आपको मिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर. बट अगेन यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स. टू ऑफ सोर्ड्स इज दो तलवारें हैं हाथ में. किसे चूज करना है? कंफ्यूजन. सो इतना प्यार, इतना सब कुछ है आपके पास, लेकिन इंटरनली ये सब, ये जो ब्लैक कलर के क्रोज आप देख रहे हो, ये इसका नेगेटिविटी है मन की. सो इंटरनली कहीं ना कहीं आपके दिमाग को पता है कि आप इनडिसिसिव हो. इतने प्यार के बावजूद जिस पार्टनर के साथ आपको रहना है या नहीं, ये आपने अभी तय नहीं किया है. आप कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, और शायद इसीलिए ये एनर्जी आपकी दिख रही थी काफी लोगों की, डिसीट की, कि आपको इतना अफेक्शन मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड हो भी रहे हो, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है. ठीक है, तो वो आपने एक मास्क पहन रखा है, ऐसा समथिंग यहाँ पे तुला राशि लग रहा है कि ऊपर से हंस रहे हो, बोल रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, कूद रहे हो, बातचीत हो रही है, लंबी लंबी चैट चल रही है, बट शायद कोई और भी है. ठीक है, तुला राशि यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ है, कुछ सेकेंड ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके पास चॉइसेस हैं. ठीक है, यस. सो हो सकता है कि ये इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिल जाए इस रिश्ते में कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि मैं सही हूं यहाँ पे रह के या गलत हूं. सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, बट ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहे हैं ना, सेम से कार्ड्स हैं, तो मुझे कहना जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट्स चेक तुला राशि की आपके लिए वर्क प्लेस की सिचुएशंस क्या मिलती है. ओके, तीन कार्ड है यहाँ, तीनों लेते हैं. वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल. अगेन बहुत कंफ्यूजन चल रहा है तुला राशि. अगर मुझे यहाँ पे टैगलाइन डालू ना मैं आपकी रीडिंग के लिए, तो यही होगा कंफ्यूजन. एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप में से काफी लोगों की. ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई गया. सो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तुला राशि, और एक पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है. ठीक है, सबके लिए नहीं, बट स्टिल यहाँ पे दिख रहा है काफी लोगों के लिए. बॉटम एनर्जी है स्ट्रेंथ की. सो किसी लियो पर्सन को आप डील कर सकते हैं, या आप सन या मून राइजिंग में लियो हो सकते हैं. मुझे लग रहा है कि हाँ, वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं बाउंड है,
वर्क प्लेस पे आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, आपसे काम करवाए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है ये काम? या तो ये आपकी कोई बॉस हो सकती है, एक फीमेल की एनर्जी आ रही है, या तो वो आपकी ऑफिस में बॉस है, आपसे ऊपर है ओहदे में, वो आपसे काम करवा रही है जैसा वो चाहती है ना। तो आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे कि भाई मेरी फ्रीडम कहाँ है, मैं अपने हिसाब से डिसीशन क्यों नहीं ले पा रहा या ले पा रही, ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि वर्क प्लेस पे आपने किसी को कमांड दे रखी है, ठीक है, क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी तरह से चला रही है आपको, वो आपको डिसीजन लेने नहीं दे रही है या लेने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आई एम ए गर्ल। तो वो जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके बॉस की भी एनर्जी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे इमोशनली ही अटैच्ड हैं, या तो ये आपके बॉस हैं जो कि आपको अपने तरीके से चला रहे हैं और आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि यार हर काम अपने तरीके से करवा रहा है या करवा रही है, मैं तो ऐसे जॉब छोड़ दूंगा, ये वाली एनर्जी है, या फिर आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस पर्सन से अटैच है, तो ये अपने अकॉर्डिंगली या अपना काम भी आपसे करा रही है, या आप इसकी बहुत सुन रहे हो, उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं स्टकनेस लग सकती है तुला राशि इस महीने। वी हैव अगेन टू ऑफ पेंटिकल। आप साथ साथ नौकरी तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप दो चीजों को बैलेंस कर रहे हो। अब ये दो लोग हो सकते हैं, परिवार और व्यापार हो सकता है, ठीक है, पैसा हो सकता है और पीस हो सकती है, बट यहाँ पे दो चीजों में जगलिंग चल रही है कि भैया नौकरी छोड़ दी तो पैसा नहीं मिलेगा और नौकरी कर ली तो परिवार के लिए टाइम नहीं है। इस तरह की कोई सिचुएशन में आप जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो। और अगेन फिर से कहूंगी, बार बार कह के नेगेटिविटी नहीं लेना चाहती यहाँ पे, और बट कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो है, यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तीन डेक से कार्ड निकाल चुकी हूँ, इनडिसिशन, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, दो दो ऑप्शंस में आ रहे हैं सब चीजें, बट आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है तो भी आप अपने आप दिखा नहीं रहे हैं, आप डिसीट की एनर्जी में हो। अगर आप किसी को धोखा भी दे रहे हो तो शायद आप समझते हो कि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं उस चीज में, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे तुला राशि आपके लिए आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है, एक और मैसेज मिल रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स आ रहा है, थोड़ा बहुत वर्क प्लेस पे ना इमोशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हो जाएंगे, या सेंसिटिव हैं इस अप्रैल के महीने में आप वर्क को लेके, पैसे को लेकर के, ठीक है। पैसा है किसी के लिए, जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, नए जॉब का ऑफर है, ठीक है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत क्लियर कट है, जिसे जो चाहिए वो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चाहिए। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो मे बी जो जॉब का ऑफर आ रहा है वो आपको लगे कि नहीं नहीं ये मेरी तारीख का नहीं है, ये इतना पैसा मुझे इतना चाहिए तो दे ही नहीं पाएंगे, ऐसा वाला हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम, अदरवाइज ऑफर तो आ सकता है। ऑलराइट, यस। सो आप बहुत एक होते हैं ना तीखा बोलने वाले, क्लियर कट रहने वाले, उस जोन में भी रह सकते हैं वर्क प्लेस पे इस महीने। यस, सो दिस इज ऑल फॉर योर लव लाइफ एंड योर करियर बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस जैसा कि मैंने कहा ठीक ठाक सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आप स्टक फील कर सकते हो जॉब में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि और क्या सिचुएशंस बन सकती हैं आपकी लाइफ में अप्रैल 2022 के अंदर तुला राशि। सो लेट्स चेक कि और क्या आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ सकती हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर तुला राशि। ओके, सो यहाँ पे तीन कार्ड आ रहे हैं, मैंने ले ली हूँ, मुझे सिर्फ दो कार्ड चाहिए। और क्या सिचुएशंस बन सकती हैं वो हम देख लेते हैं। एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी दैट मैसेज। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ रॉड्स अगेन। सो हो सकता है ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 10 ऑफ रॉड्स वाली थी। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, सबको खुश रखना है, सारे ऑप्शंस को खुश रखने के बारे में आप सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपके इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, या फिर काम का बहुत बर्डन है, इस पर्सन ने आपको बहुत काम का बर्डन दे दिया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रह सकता है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग, इंतजार भी है किसी चीज का किसी को, ठीक है, आई डोंट नो किस चीज का, बट थोड़ा सा अप्रैल में आपको वेट भी करना पड़ेगा, शायद न्यू बिगनिंग्स का
विद दिस एस ऑफ वॉन्ड शायद न्यू बिगनिंग्स का अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ स्टकनेस आ रही है और आप एक टाइम ऐसा आएगा अप्रैल में जब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर जाओगे, स्टक हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा चीजों को कैसे आगे लेके जाओ, तब शायद आप चेंज चाहोगे, तो उसका इंतजार हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस भी बन सकती हैं। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ओरेकल डेक से क्या मैसेज आता है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। ऑलराइट, सो वी हैव ऑर्फेंड, यस, अकेलापन, ठीक है। सबके होते हुए भी लाइक कि आप किसी से अपने इमोशन शेयर नहीं कर रहे, आप जो असल में है ना वो नहीं दिखा रहे, बहुत खुश हो रहे हैं सबके साथ, घूम रहे फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बट अंदर से अकेलापन है। टिकटॉक समय गुजर रहा है, शायद ऐसा अंदेशा आपको भी हो सकता है कि समय भाग रहा है। विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स अप्रैल में आपका समय सच में भी भागेगा राउंड एंड राउंड। आप फिर से शायद सेम गलती कर रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है आपको इस महीने। सो अपने काम टाइम पे पूरे करना, किसी एक चीज को तवज्जो ना देके बैलेंस करना हर सिचुएशन में लाइफ की, ये चीजें आपकी इस महीने आपको भागदौड़ी में लगा सकती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सच में तुला राशि आपको गाइडेंस की जरूरत है। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। चलिए, तीन गाइडेंस हमारे पास आ गए हैं, लेट्स चेक। वी हैव न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। सो अगर आप किसी प्रमोशन का या अपने हार्डवर्क के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा, डोंट वरी। ऑलराइट, आप में से काफी लोग किसी कैप्रिकॉन को या मकर राशि को डील कर रहे हो सकते हैं। न्यू मून इन टॉरस, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी बट थोड़ा सा समय, जैसा पेशेंस का भी आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए है बट अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप में से काफी लोग किसी वृषभ राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं। टाइम फॉर हीलिंग, तो रेस्ट एंड रेजुवेशन इसीलिए आ रहा है शायद, नए चीजों में मत पड़ो, अपने आप को हील करो। इस भागा दौड़ी में लोगों को बैलेंस करने से अच्छा है सच बोल के खुद को एक टाइम दो, नैप दो और डिसीशन लो कि क्या चाहते हो। ऑलराइट, सो ये हीलिंग का टाइम है। बॉटम एनर्जी है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अगर कोई सपने पूरे करने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो तो उस पर विश्वास रखो। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। ऑलराइट, सो वी हैव फ्रेंड्स, तो यस, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स है। मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या तो नए दोस्त बन रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग करने जा सकते हैं। सोलमेट, यस, आप में से काफी लोग अपने सोलमेट को डील कर सकते हैं या मिल सकते हैं। हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाएं और आपको एक नया पार्टनर मिल जाए अपना। देन वी हैव ट्रिप, तो आप में से काफी लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तुला राशि, कहीं घूमने जा सकते हैं बाहर आस पड़ोस में। योर पार्टनर्स टाइम, सो आपको आपके पार्टनर का टाइम मिलने वाला है इस महीने। सिलेक्शन इन जॉब और कोर्स, मैंने कहा अभी तक लंबी लंबी बातें हो रही है तो टाइम तो मिलेगा, और आपका सिलेक्शन भी हो रहा है किसी जॉब में किसी कोर्स में। न्यू बिगनिंग्स, तो आप न्यू बिगनिंग्स चाहते भी हैं शायद और आपको मिलेंगी भी। देन वी हैव चाइल्ड, सो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे चाइल्ड भी दिख रहा है, या आपको आपके बच्चे हैं तो उनसे कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आ सकती है। लाइफ पार्टनर, सो वाव यार, यहाँ पे तो बच्चे भी आ गए, लाइफ पार्टनर भी आ गए, पार्टनर का टाइम भी आ गया, और क्या चाहिए। मनी, सो मनी भी आपको मिलेगी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो, रेजोनेट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।